आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बीएचयू में देर रात मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगा के, मारपीट के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप वहां पर लग रहा है। ब्रजनाथ छात्रावास के कैंपस में बाहर से लोगों पर तोड़फोड़ करने का आरोप है। आपसी कहासुनी के बाद कैंपस में तोड़फोड़ करने का आरोप लग रहा है, ये बड़ी जानकारी है। देर रात बीएचयू में मारपीट की खबर सामने आ रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी वहां पर की गई, जमकर हंगामा हुआ, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मारपीट के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप है और ब्रजनाथ छात्रावास के कैंपस में बाहर से लोग आए ये कहा जा रहा है, और बाहर से जो लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने ही हंगामा किया, उन्होंने ही तोड़फोड़ की, ये आरोप लग रहा है। आपसी कहासुनी वहां पर हो गई थी और कहासुनी के बाद कैंपस में तोड़फोड़ का आरोप लगा के, देखिए हंगामे के बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नवीन पांडे मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। नवीन, क्या हुआ था वहां पर, क्या बताया जा रहा है, और ये बाहर के लोग कैंपस में कैसे दाखिल हो गए, कौन है ये लोग? जी, बीएचयू के छात्र ये हैं, दूसरे छात्रावास के जो आपसी छात्रों में झगड़ा हुआ था, और आपसी झगड़ा इस कदर बढ़ा कि छात्र आपसी गुट इकट्ठा किए, उसके बाद दूसरे छात्रावास में घुस के जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि जब छात्रावास में घुसे तो उनके बाद जब तोड़फोड़ की छात्रों द्वारा, तो छात्रों को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा और बीएचयू प्रशासन के लोगों ने समझाया बुझाया, और आपसी झगड़ा जो छात्रों के बीच था उसको समाप्त कराया, तब जाके छात्रों का गुस्सा शांत हुआ और छात्र अपने अपने छात्रावास को गए। लेकिन इस दौरान कई गाड़ियों को छात्रों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया और लगभग एक दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है छात्रों के द्वारा। देर रात कितने बजे के आसपास ये हंगामा हुआ नवीन यहाँ पर, और छात्रों से पूछताछ में कोई बात सामने आ रही है, किस बात को लेकर कहा सुनी इनके बीच में हुई थी? जी, अगर बात की जाए रात की, तो लगभग 2 से 2.5 बजे की रात में छात्र आपसी गुट को लेकर गुटबाजी करते हुए देखने को मिले, और 2 बजे के बाद छात्रों का गुट इकट्ठा हुआ। लगभग 20 से 30 छात्र इकट्ठा हुए और छात्रों का गुट हॉस्टल पहुंचा और हॉस्टल पहुंच के तोड़फोड़ की गई। आपसी विवाद बताया जा रहा है, छात्रों के बीच आपसी जो समन्वय नहीं बैठा था, आपसी विवाद जो था उसको लेकर छात्र दूसरे छात्रावास में घुसे और छात्रावास की सभी गाड़ियां, 30 गाड़ियों को लगभग छात्रों के द्वारा नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। हालांकि अभी फिलहाल माहौल शांत है और छात्रों को समझा बुझा कर बीएचयू प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने वहां से हटाने का काम किया है। अब बीएचयू प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है नवीन, क्योंकि इस तरीके से लोग वहां पर बाहर से बुलाए जाते हैं, वहां पर आकर के देर रात, आप बता रहे हैं 2 से 2.5 के बीच का ये वक्त है जब तोड़फोड़ यहां पर की गई, ये हंगामा कैसे इस कैंपस के भीतर हो जा रहा है, प्रबंधन कुछ कह रहा है इसको लेकर? जी, अगर बात करें बीएचयू की, तो बीएचयू में आए दिन इस तरह के बवाल देखने को मिलते हैं। छात्रों का गुट होता है जो आपसी झगड़ा करता है और आपसी झगड़ा करने के बाद दूसरे छात्रावास में घुस जाता है। रात का समय था, सभी छात्र सो रहे थे, लिहाजा छात्र जो दूसरे गुट के छात्र थे वो लगभग घुसे दूसरे छात्रावास में, और छात्रावास में घुसने के बाद तोड़फोड़ की। हालांकि बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ये आपसी झगड़ा था छात्रों का, लिहाजा आपसी झगड़े को छात्रों को किस तरह से समझा बुझा कर बीएचयू प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों ने समझाया, उसके बाद छात्र शांत होकर अपने अपने हॉस्टल को रवाना हुए। लेकिन ये बीएचयू के लिए आए दिन की बात है कि जब छात्रों का गुट एक दूसरे से आपसी झगड़ा करता है तो बाहरी छात्र बीएचयू में बुलाए जाते हैं और बीएचयू के बाहरी छात्र घुस के तोड़फोड़ जैसी घटना को अंजाम देते हैं, जो कि बीएचयू के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बाहरी छात्रों का प्रवेश, क्योंकि बीएचयू लगातार ये दावा करता रहता है कि बाहरी छात्र बीएचयू में नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भारी संख्या में छात्र छात्रावास में घुस के तोड़फोड़ किए हैं, तो एक सवालिया निशान बीएचयू के लिए जरूर है कि तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी किस तरह से बाहरी छात्र प्रवेश कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर और लगातार तोड़फोड़ की घटना। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, पूरी जानकारी के लिए। जालौन से खबर है, जालौन में पुलिस और सत्ती गैंग के बीच में मुठभेड़ की जानकारी है, और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागा। गिरफ्तार बदमाश से मोटरसाइकिल और अवैध असलहा बरामद किया गया है, बदमाश पर 45 मामले दर्ज। जालौन से खबर, पुलिस और सत्ती गैंग के बीच में मुठभेड़ की जानकारी, और ये कहा जा रहा है कि एक बदमाश को गोली लगी जो घायल है, साथ में जो इसका एक साथी था वो वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। साइकिल और अवैध असलहा बरामद किया गया है, गिरफ्तार बदमाश पर 45 मुकदमे दर्ज हैं, ये जानकारी मिल रही है।
जालौन से खबर, पुलिस की मुठभेड़ हुई है सत्ती गैंग के साथ में। थाना क्षेत्र उरई में एक 50,000 इनामी के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसका नाम सुभाष फट्टी है। ये ग्वालियर का रहने वाला है और इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 45 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से कई मुकदमे डकैती के साथ हत्या के भी इसके ऊपर हैं। और वर्तमान में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, नरसिंहपुर से, मध्य प्रदेश से भी वांछित है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में भाजपा महासचिवों की आज अहम बैठक होने वाली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में शाम 5 बजे का वक्त है जब ये मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की कार्य योजना को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। ओबीसी मोर्चा के आउटरीच कार्यक्रम की रणनीति भी बनेगी। दिल्ली में भाजपा महासचिवों की आज अहम बैठक होने वाली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में ये मीटिंग शाम को 5 बजे होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे के कार्यक्रमों की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी और साथ ही केंद्र सरकार की कार्य योजना को लेकर भी फीडबैक लेने का काम करेंगे जेपी नड्डा। ओबीसी मोर्चा के आउटरीच कार्यक्रम का प्लान भी तैयार होगा और साथ ही सूफी और पसमांदा मुस्लिमों तक पहुंचने की मुहिम पर भी मंथन किया जाएगा। दिल्ली में भाजपा महासचिवों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। अविनाश हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। अविनाश, आज देखिए दिल्ली में भाजपा के तमाम महासचिव पहुंचेंगे, उनकी जेपी नड्डा के साथ में मीटिंग होने वाली है, क्या एजेंडा इस मीटिंग का रहने वाला है, किस पर फोकस होगा अविनाश? जी देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में जा चुकी है और तमाम सर जितने भी राज्य हैं वहाँ पे चुनाव की तैयारियां कर रही है। जब जनवरी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, सब साफ तौर पे संदेश दिया गया था कि जितने भी राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं उन राज्यों में चुनाव जीतना और इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव जीतना और तब तक के लिए कार्यकर्ता कमर कस ले। उसी कड़ी में अगर आज बात करें तो तमाम सारे जितने भी महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे और एक एक राज्य की रिपोर्ट लेंगे कि किस राज्य में किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का कार्यक्रम चल रहा है और किस राज्य में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए जिससे कि बीजेपी मजबूत हो सके, क्योंकि बीजेपी की ये सबसे बड़ी कोशिश है कि जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर वहां पे वही पार्टी सबसे आगे नजर आए तमाम सारे जो लोग हैं उनको। और यही वजह है कि लगातार अब तमाम सारे महासचिवों को भी नए नए टास्क दिए जा रहे हैं कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। चूंकि अगर बात करें तो पसमांदा मुसलमानों के बाद सूफी विचारधारा के जो मुस्लिम हैं उनको बीजेपी अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार अब कार्यक्रम करने जा रही है, तो लिहाजा उन कार्यक्रमों में किस तरीके से आगे कार्यक्रम रहे जिससे कि तमाम तरह जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम तरह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी के अन्य पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जा सके। और कार्यक्रम के अंत में अगर बात करें तो इस वर्ष के अंत में एक बड़ा सूफी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे, तो तमाम तरह कार्यक्रमों की रणनीति बनेगी। और ओबीसी मोर्चा ने जिस तरीके से गाँव गाँव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है तो उसको लेकर के भी अहम मंत्रणा की जाएगी, क्योंकि 1 करोड़ घर लक्षित किए गए हैं, यानी कि 1 करोड़ वो घर होंगे जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे जहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा है, तो उन घरों पर किस तरीके से आगे पहुंचा जाए, किस तरीके से उन घरों को टारगेट करते हुए वहां के जो मतदाता हैं उनको बीजेपी के पक्ष में लाया जाए, तो तमाम सारे मसलों को लेकर के रणनीति होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 6 अप्रैल को पार्टी की स्थापना दिवस है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो लिहाजा किस तरीके से उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और कैसे बीजेपी का जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए इसको लेकर के काफी अहम बैठक होगी। और जो मकसद कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतनी है, उत्तराखंड में 5 में से 5 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है, तो यानी यूपी उत्तराखंड में जो 85 सीटें हैं उसको किस तरीके से 100% टारगेट अचीव किया जाए इसको लेकर के भी मंत्रणा होगी। ठीक है, आगे की पूरी जो योजना है उस पर ही मंथन करने वाले हैं, आगे किस तरीके से बढ़ना है, लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से करनी है, अविनाश इसी को लेकर ही वो संदेश देने का काम भी करेंगे। ग्राउंड में किस तरीके से उतरना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक किस तरीके से लेकर के जाना है और वहां जाकर के उपलब्धियों को सरकार के किस तरीके से गिनाना है, इन्हीं सारे मसलों को लेकर ही विस्तार से बातचीत होगी, क्योंकि अब पूरी तैयारी में बीजेपी तो नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के। जी बिल्कुल, ये तमाम सारे मसलों को लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं लगातार बीजेपी आम जनता तक पहुंचा रही है, लेकिन अब आम जनता को कैसे बीजेपी की ओर मोड़ा जाए जिससे कि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें उनका मत अर्जित किया जा सके इसको लेकर के अब रणनीति बनाने की ओर बीजेपी बढ़ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात करें तो निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट माना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया और निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और 80 लोकसभा की सीटें और इसको 80 में से 80 जीतने का टारगेट है बीजेपी का, इसको किस तरीके से अचीव करना है इसको लेकर भी चर्चा होगी। शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी के लिए।
निकाय चुनाव की तारीखों का एक हफ्ते के भीतर ऐलान हो सकता है। ऐसे में सियासी दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। टिकट के दावेदार पार्टी दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रहे हैं। भाजपा हो या फिर सपा, अलग अलग जिलों से टिकट के दावेदार लखनऊ लगातार पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर और भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी से पार्टी दफ्तर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और मेयर के अलावा पार्षद के लिए दावेदार लगातार टिकट मांग रहे हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी दावेदार लगातार जुट रहे हैं। आज भी खबर है अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर में पहुंचेंगे और अलग अलग जिलों से पहुंचे पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे, साथ ही टिकट के उम्मीदवारों से भी मुलाकात करेंगे और बाकी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। तो निकाय में नाम वाली जंग किस तरीके से चल रही है दोनों ही दलों में, वो आप देख रहे हैं। विस्तार से बातचीत कर लेते हैं, मेरे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेश, देखिए दोनों ही दल पीछे नहीं है और दोनों ही दलों के हम देख रहे हैं ऑफिसों में किस तरीके से आजकल तांता लगा हुआ है, वो भाजपा की हम बात करें या फिर सपा की बात करें, दोनों ही दलों में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो दफ्तरों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज को लेकर भी खबर है कि यही तस्वीर जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं वो तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दीपा, लगातार चाहे सपा कार्यालय हो चाहे भाजपा कार्यालय हो, सभी जगह पर जो निकाय चुनाव देखिए आगामी है इसको लेकर लोग आ रहे हैं अपनी दावेदारी लेकर, और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपने बायोडाटा सौंप रहे हैं। अभी हम भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ में मैडम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कहाँ से आई हैं, किस पद के लिए यहाँ पर निकाय चुनाव में आई हैं अपनी दावेदारी साबित करने। मैम क्या नाम है? मैं भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की महामंत्री संजू सिंह कुंडीर हूँ। मेरा निवास आगरा में है और मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 8 साल से। आज ये बायोडाटा आप लेके आई हैं किस पद के लिए? मेरा ये पार्षदी के लिए है जी, क्योंकि जब हम काम करते हैं पार्टी में तो किसी न किसी उम्मीद से ही करते हैं, तो बस हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी बने पदाधिकारी, इससे मतलब नहीं है, जो भी बने अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए अपनी पार्टी के लिए सही और अच्छा व्यक्ति साबित हो। तो ये बताएं मैम कि किससे मुलाकात करने आ रहे हैं, अध्यक्ष जी, महामंत्री, संगठन या दोनों से ही आज मुलाकात? देखिए मैं आज यहाँ पे संगठन मंत्री धर्मपाल भाई साहब जी हैं उनसे भी मिलने आई हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र भाई साहब उनसे भी मिलने के लिए आई हूँ। और अब देखिए किन किन लोगों से मुलाकात होती है, क्योंकि इनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश यही रहेगी कि सभी लोगों से। बड़ी भीड़ लग रही है आजकल सभी कार्यालयों पर, अभी तो सुबह हुई आप आए हैं, अभी तो देखेंगे दिन में बड़ी लंबी लाइन लग जाती है जी। अब लाइन तो लगेगी, देखो भारतीय जनता पार्टी की लहर है और एक ये पार्टी वो पार्टी है जो सभी के लिए अच्छा कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के पदाधिकारी सभी अपने कार्यकर्ताओं को जिसको भी चुनेंगे सही रूप में ही चुनेंगे। देखिए दीपा, यहाँ पर हमने बात कराई, आप पार्षदी के टिकट ले आए हैं, महिला मोर्चा में पहले से शामिल है, और देखिए ऐसा ही नज़ारा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी देखने को मिल रहा है। और अभी आप अगर सुबह का वक्त देखिए 9:15 लगभग हो रहा है और यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया, अभी पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि निकाय की जो तारीख है, चुनाव की जो तारीख है, देखिए 6 अप्रैल को आप बात करें तो देखिए ये जो अंतिम सूची जारी थी इस पर आपत्तियाँ देनी है, 6 अप्रैल को वो समय सीमा बीत जाएगी, उसके बाद अगले 2 से 3 दिन में यानी मान के चलिए 8 या 9 अप्रैल तक जो है वो फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। 9 से 10 अप्रैल के बीच में जो प्रदेश सरकार की तरफ से इसके बारे में एक प्रस्ताव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। यानी ये माना जा रहा है कि लगभग 12 तारीख के आसपास, 12, 13, 14 तारीख कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, आप बता रहे हैं, और इसीलिए तो ये कवायद तेज हो चुकी है। लगातार बहुत बड़ी संख्या में सपा और भाजपा के दफ्तर में कार्यकर्ता पहुंच भी रहे हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि अब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। शुक्रिया शैलेश पूरी जानकारी के लिए। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारी, वाराणसी में भाजपा ने बूथ समिति बनाई है और बूथ समिति में 1388 लोगों को चयन किया गया है। घर घर सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाएंगे। वाराणसी से खबर है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी यहां पर भी तेज कर दी है। बूथ समिति यहां पर बनाई गई है और इसमें 1388 लोगों का चयन किया गया है जो घर घर जाकर के सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। और सरकारी योजनाओं का लाभ अगर किसी को नहीं मिला होगा तो वो जाकर के सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिलाएंगे। तो बड़ी खबर, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और भाजपा किस तरीके से सबसे आगे दिखाई दे रही है तैयारियों में,
भाजपा ने वाराणसी में बूथ समिति बनाई है और इसमें 1388 लोगों का चयन किया गया है, लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। और आइए काशी से सीधे नवीन मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, देखिए वहां पर बूथ समिति बनाई गई है कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से। अब इनका काम ये होगा जो 1388 लोगों का चयन किया गया है वो अलग अलग हिस्सों में घर घर जाकर के सरकार की योजनाओं की जानकारी उनको देंगे। नवीन जी बिल्कुल, कुल 1328 बूथ का चयन किया गया है। 100 वार्ड हैं वाराणसी में और 1328 बूथों का चयन किया गया है जिसमें 1388 लोगों का बूथ समिति के लोगों का चयन बीजेपी के द्वारा किया गया है। जो लोग हर बूथ में हर वार्ड में जाएंगे और लोगों से उनकी समस्या पूछेंगे, सरकारी योजनाओं से जो लोग नहीं जुड़े होंगे उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, सरकारी योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल भाजपा की तैयारी पूरी कर ली गई है क्योंकि जिस तरह से बाकी पार्टियां अभी टिकट की दावेदारी ही कर रही हैं, लेकिन भाजपा ये कदम आगे बढ़ते हुए कमर कसते हुए नगर निकाय चुनाव के लिए बूथ समिति का गठन कर दी है। जिसका गठन किया गया है उस समिति के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीश जी। जगदीश जी, किस तरह का चयन किया गया और किस तरह की तैयारी आप लोग द्वारा की गई है? भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। विकास की योजनाएं जो ठीक ढंग से आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती है, उन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमारे बूथ समिति की संरचना है। ये बूथ समिति की संरचना निरंतर हमारी काम करती है। 1328 बूथों पर हमारी बूथों की समितियां बनी हैं। हर समितियों में 6 से 7 मेंबर हैं। उसके बाद हमारी समिति बूथ समिति के उपरांत पन्ना समिति की संरचना करती है। पन्ना समिति उस पन्ने पर 95 से 100 नाम है। उस 95 से 100 नाम के बीच में हमारा 5 से 6 कार्यकर्ता उनके बीच में काम करता है। हमारी जो बूथ समिति है यह सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को 100% लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, उन योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाने के लिए, जिन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ से अभी वंचित हैं उनके लिए फार्म भरवाने से लेके और उन योग तक लाभ पहुंचाने का काम हमारे बूथ के कार्यकर्ता करते हैं। तो बीजेपी एक कदम आगे चल रही है क्योंकि निकाय चुनाव की डेट कभी भी आ सकती है, इस वजह से बीजेपी अपना कदम बढ़ाते हुए बूथ समिति का गठन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में निरंतर आम जनमानस के बीच में काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और हमारा काम निरंतर आम जनमानस में हो रहा है। हम चुनाव के मूड में हैं, हम चुनाव कभी भी लड़ सकते हैं क्योंकि हम आम जनता के बीच हर समय उपलब्ध रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आप देख सकती हैं किस तरह से भाजपा की तैयारी है, बूथ समिति का गठन कर लिया गया है क्योंकि बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है नगर निकाय चुनाव में, लिहाजा बूथ समिति के गठन के बाद जो कार्यकर्ता जो लोगों सरकार की योजनाओं से लाभ लिया तो चुनाव में दावेदारी जो है वो अपने आप मजबूत हो जाती है। और अभी तो निकाय चुनाव है, उसके बाद फिर आगे लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए भी इनको काम करना है। शुक्रिया आपका नवीन पूरी जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।